ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। एवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में सिनेमा हॉल बंद होने के बाद मनोरंजन की जगह ले ली ओटीटी ने और इस पे वेब सीरीज की बाढ़ सी आ गई, लेकिन साथ में बाढ़ आई अश्लीलता की, भौंडेपन की, और मैं ये कहूँ कि दो मुहे वाले जो शब्द होते हैं जिसके डबल मीनिंग निकलते हैं उसने। यहाँ तक तो सब ठीक था, समाज ने एक्सेप्ट किया, व्यूवर्स ने एक्सेप्ट किया, चलता है। लेकिन ये क्या कि आप एक 10 या 12 साल के बच्चे से वेब सीरीज में गालियां दिलवा रहे हैं। एक छोटी बच्ची 10 या 12 या 13 साल की, वो अपने पिता से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है, पीरियड्स के बारे में बात कर रही है, और इस किस्म के जाने कितने सीन्स भारत के समाज के सामने आ चुके हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए कि ये कब तक चलेगा, क्या इस पर कोई लगाम लगेगी कि नहीं, क्या कोई सेंसर आएगा या विदेशियों की तरह हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं ओटीटी के जानकार वरुण कथोरिया। स्वागत है आपका। तो सर, वेब सीरीज का हाल तो आपने देखा ही, अब उसमें जो हो रहा है अश्लीलता की जो बाढ़ आ रही है, चलिए वहां तक भी ठीक है, कहानी की डिमांड है या जो सो कॉल्ड डायरेक्टर या जो स्टोरी राइटर या जो लोग कहते हैं, लेकिन ये क्या कि आप 10-12 साल के बच्चे से उसमें गालियां दिलवा रहे हैं या एक पिता से उसकी खुद की ही अपनी बेटी पीरियड्स पे या बॉयफ्रेंड को लेकर बात कर रही है, 12-13 साल की बच्ची, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई लगाम लगेगी इस पे? देखिए, इस पे निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड की कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इस तरह की चीज़ें कंटेंट ये लोग डाल रहे हैं। पहले भी सिनेमा जगत में आप ध्यान देंगे तो दारदा कुंड के दुई-अर्थी फिल्में बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और ये वही ट्रेंड जो है इस वेब सीरीज में चल रहा है, और ये देश के जो सांस्कृतिक माहौल है उसको बिगाड़ने का एक कार्यक्रम मुझे लगता है विशेष रूप से चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पे टोकना चाहता हूँ कि अभी मीडिया जगत में सिर्फ एवन न्यूज ही ऐसा चैनल है जिसने इस बात पे एतराज किया है, क्या वेब सीरीज के बहाने आप छोटे बच्चों को गाली देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि आज के समय में जो नहीं दिखाना चाहिए वो ये वेब सीरीज के नाम पर परोस रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस तरह की चीज दिखाने के लिए सरकार का इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और ओटीटी भी प्लेटफॉर्म विदेशी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के जो कंटेंट है जो बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए, वो चाहे धार्मिक गलत भावनाएं भड़काने वाले हो या सांस्कृतिक मोल बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाले कंटेंट है, ये बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए। मुझे सर आप एक और बात बताइए, और मैं ये अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि भाई धर्म को लेकर जब कोई ऊंच नीच वाली कोई बात किसी फिल्म में आती है तो जाने कितने संगठन खड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है सर, बिल्कुल बढ़ती हुई उम्र में है, और जहां हमें अच्छी सीख देनी चाहिए, तो इस बात के लिए कभी कोई संगठन आगे क्यों नहीं आता है? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि इस तरह की बातों का विरोध करने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए था, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के सामने अगर गालियों की भाषा का उपयोग कर रहा है, या एक लड़की से जिस तरीके से उसके पिता का जो वार्तालाप है, ये सब चीज़ों के खिलाफ लोगों को सामने आना चाहिए था, परंतु हमें अफसोस है कि ये शायद हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को सबसे पहले हम उठा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि इसमें हो क्या सकता है, क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, या फिर एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि भाई अब बस कीजिए, बच्चों को इस तरीके से अश्लील संवाद में ना लाएं? देखिए, इसके लिए तो मुहिम छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है जी। और जिसका कानूनी विरोध होता है तो उस चीज को लोग जरूरत से ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस चीज पे प्रतिबंध या बैन लगाया जाता है उसे लोग ज्यादा इच्छुक होकर देखते हैं, तो उससे वातावरण और दूषित होगा, इसलिए मेरा मानना है कि समाज को इस तरीके की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए और इसके लिए एक समाज को मुहिम चलानी चाहिए। और जिस तरह के एडल्ट कंटेंट आ रहे हैं, अगर ये लिख भी दिया जाए कि भाई इसको 18 वर्ष से ऊपर के ही देखेंगे, लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि उसमें तो बच्चों ने भी काम किया है। नहीं नहीं, उसके अलावा आज के समय में मोबाइल और जब इंटरनेट की दुनिया है तो छोटे छोटे बच्चे आज आपका देख रहे हैं कि क्लास देख रहे हैं, तो छोटा बच्चा वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा पेरेंट्स को भी नहीं पता, क्योंकि सबके हाथों में बच्चों के हाथों में मोबाइल आ चुका है जिसमें इंटरनेट है, तो इसलिए सरकार को भी इसमें कोई एक विशेष नीति बनाकर आईटी एक्ट में बदलाव करके इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि अब सिर्फ थोड़ा सा फेम या पैसे पाने के लिए कैसे हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चे को इस तरह के संवाद को बोलने के लिए या इस तरह की डायलॉग डिलीवरी अपने पिता के साथ करने के लिए छूट दे रहे हैं, ये भी तो एक बात है, अगर वो माँ बाप भी तो पढ़े लिखे होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा। आपकी बात सही है, परंतु ये बहुत समय से होता रहा है कि लोग पैसे के लालच में कुछ भी कर गुजरते हैं,
और इसी की वजह से समाज का माहौल और वातावरण खराब से दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। देखिए पहले के अगर हम बाल कलाकारों को देखें या चीज़ों को देखें तो वहाँ एक अलग बात होती थी। अब आप एक सीन इसमें और देखिए कि अब मैं किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वहीं फैमिली के मेंबर्स हैं और वहीं पे किसिंग सीन चल रहा है, स्मूच के सीन चल रहे हैं और वहाँ बच्चे देख रहे हैं उसको, तो क्या मतलब ये क्या हो गया है सर? ये जो आपने बच्चों की अश्लीलता वाली बात कही है, ये बच्चों के सामने जो परिवार अश्लीलता परोसी जा रही है, इससे वातावरण निश्चित रूप से खराब हो रहा है। और कल से जो बच्चों के अंदर ये जो यौवन की लेकर जो चीजें हैं, धारणाएं, ये बदलेंगी तो ये समाज को बहुत और गलत दिशाओं में ले आ सकते हैं। हो सकता है इससे रेप बढ़े और लड़का लड़की के प्रति जो संबंध की वो चीजें हैं ये बहुत गलत एक दिशा की तरफ जाता हुआ कदम मैं महसूस कर रहा हूँ। तो सर चलते चलते तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी बात जायज लगती है, सही लगती है और इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई विरोध करना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे एवन न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से इस एपिसोड को आप इस एपिसोड को विरोध के तौर पे लें कि ऐसी एक मुहिम बनाएं और इसको एक पुरजोर विरोध के तौर पे भी लें कि हाँ ऐसी चीज़ों का विरोध होना चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम आएंगे एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी।